नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज जो है CC5 समकालीन भारत और शिक्षा, यूनिट 1 का आज सी है, जिसमें चुनौतियां चैलेंजेस एंड रोल ऑफ एजुकेशन रोल ऑफ एजुकेशन जो है भाषावाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता के विषय में आज हम जानेंगे कि ये इसमें चुनौतियां कौन कौन सी आती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाषावाद एक, इसमें क्या होता है कि क्षेत्रवाद एवं संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। यदि कहीं पे भाषावाद है, भाषा के विषय में कहीं पे संघर्ष है, तो उसके कारण क्षेत्रवाद भी बढ़ता है, क्योंकि जो राज्यों का विभाजन है वो भाषा के आधार पर हुआ है, इसलिए क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है भाषावाद के कारण, और मानसिकता संकीर्ण हो जाती है, सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है। दूसरा है अलग राज्य की मांग बढ़ जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आ जाती है कि अलग राज्य की मांग बढ़ जाती है भाषा के आधार पे। अगला है राष्ट्रीय एकात्मता के लिए खतरा निर्माण हो जाता है। अगर हर सब लोग जो है भाषा के आधार पर अलग अलग क्षेत्र की मांग करने लगे, अलग अलग राज्य की मांग करने लगेंगे, तो इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय एकात्मता है उसको नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है अल्पसंख्यक भाषियों का उत्पीड़न। जो ज़्यादा बोलते हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो कम बोलने वाले भाषा भाषी होते हैं उनका उत्पीड़न होता है। अगला है दोस्तों क्षेत्रवाद। राष्ट्रीय एकात्मता की भावना को चोट पहुंचती है, ये तीनों में आएगा दोस्तों, भाषावाद में भी आएगा, क्षेत्रवाद में भी आएगा और सांप्रदायिकता में भी आएगा। इन सब परेशानियों की वजह से राष्ट्र की एकात्मता को खतरा पहुंचना है। दूसरा है राष्ट्र का विकास अवरुद्ध होता है। जब ये सब संघर्ष निर्माण होता है भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तो क्या होता है कि जो राष्ट्र का विकास है वो एक तरीके से रुक जाता है। अगला है दोस्तों राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना निर्माण हो जाती है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची होती है हर राज्यों के विषय में। किसी भी राज्य का जो व्यक्ति होगा, जो वहाँ का समूह होगा, जो वहाँ का समाज होगा, वो सिर्फ अपने राज्य के विकास के विषय में सोचेगा। अगला है दोस्तों सामाजिक विघटन को बल मिलता है। क्षेत्रवाद के कारण समाज में विघटन की संभावना बढ़ जाती है। अगला है अविश्वास और संदेह। एक दूसरे को अविश्वास और संदेह की भावना से देखने लगते हैं, वो चीज उसमें आने लगती है। अगला है दोस्तों सांप्रदायिकता के लिए कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मता की भावना को ठेस पहुंचती है। सामुदायिक हिंसा और दंगों को बढ़ावा मिलता है सांप्रदायिकता की वजह से। जो धर्म के आधार पर भेदभाव होता है उसकी वजह से सामुदायिक हिंसा और दंगों को बढ़ावा मिलता है। ये गरीब जनमानस पर विपरीत प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि उनका जो रोज कमाने खाने वाले हैं, दंगों और असामाजिक तत्वों और सामुदायिक हिंसा की वजह से जो रोज खाने कमाने वाले हैं वो उनके लिए परेशानी हो जाती है और उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये राष्ट्र को विनाश की ओर लेके जाता है, विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर लेके जाता है। तो दोस्तों ये हो गए चुनौतियाँ भाषावाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता की वजह से निर्मित होने वाली ये चुनौतियाँ हो गई। अब शिक्षा का इसमें क्या रोल है कि इन सब चीजों पे हम कंट्रोल रखें। तो इसके 10 पॉइंट है दोस्तों, देख लेते हैं कि शिक्षा एजुकेशन की वजह से इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला है राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। पहले तो हमें एक राष्ट्रभाषा निश्चित करनी चाहिए कि पूरे देश की एक राष्ट्रीय भाषा हो। जैसे अरब कंट्रीज में उर्दू है, अरबी है, और जैसे इंग्लिश कंट्रीज में इंग्लिश भाषा है, फ्रांस में फ्रेंच भाषा है, रूस में
रशियन भाषा है। इस तरीके से अपने देश की विविधता पूर्ण देश होने के कारण किसी एक भाषा का प्रभुत्व दिखाई नहीं देता है, जो कि हिंदी को हम मान सकते हैं लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्शंस आते रहते हैं। तो एक भाषा को पर्टिकुलर उसे राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए, क्योंकि भाषा के आधार पर ही राज्यों का विघटन हुआ है, राज्य बने हैं। तो सबसे पहले उस चीज को सुधारना चाहिए। दूसरा, जो अन्य मुख्य भाषा है उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर सिर्फ आप एक ही भाषा को प्रोत्साहन देंगे तो भी वैमनस्य होगा। इसके अलावा जो इसके हिंदी के अलावा भी जो भाषा है उनको भी उचित स्थान मिलना चाहिए। अगला, पाठ्यक्रम की पुनर्रचना करनी चाहिए। पाठ्यक्रम की रचना ऐसी करनी चाहिए कि जिसकी वजह से भाषावाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा न मिले, उससे संबंधित ऐसा कोई भी तत्व न हो जो भाषावाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ाता हो। अगला है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में आवश्यक सुधार करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगला है, विभिन्न विषयों को एक साथ एक मंच पर लाकर उसका एकीकरण करना चाहिए। विभिन्न विषय जो इन चीजों, जो भाषावाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता है, इन चीजों को जो बढ़ावा न दे, ऐसा कार्यक्रम एक मंच पे एक साथ में ला करके उनका एकीकरण करना चाहिए। छठवां दोस्तों, विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकात्मता की भावना को बढ़ाने हेतु तो कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। विभिन्न टीचिंग मेथड के हिसाब से जो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने वाले हैं, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। अगला है दोस्तों, अतिरिक्त पाठचर्या कार्यक्रम, को करिकुलर एक्टिविटी, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। जो करिकुलम में है वो तो आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक से, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज करनी चाहिए, इन सब चीजों को बढ़ावा न मिले। आठवां, अंतर सांस्कृतिक समझ का विकास करना चाहिए। एक दूसरे के कल्चर को समझने और उसके विकास के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के लिए जो एक दूसरे का कल्चर है उसको बढ़ावा देना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी कल्चर को जो है उपेक्षित दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यात्रा और संप्रेषण को प्रोत्साहन देना चाहिए। ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन, इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे एकता, एकात्मता की भावना को बल मिलता है, राष्ट्रीय समरसता इससे बढ़ती है। अगला है दोस्तों, लास्ट, लोगों की राय भी लेनी चाहिए। ये सब जो चीजें हो रही हैं इसमें शिक्षा की भूमिका तो है ही, लेकिन लोगों का क्या ओपिनियन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि लोग क्या चाहते हैं। इसलिए लोगों की राय के अनुसार भी कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि जो है भाषावाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता की क्या चुनौतियां हैं और शिक्षा में उसकी क्या भूमिका है। और दोस्तों, आज का जो है 1C खत्म हो गया। इस प्रकार से यूनिट 1 CC5 का यूनिट 1 आज यहां पे समाप्त होता है। और अगले लेक्चर में दोस्तों हम और भी नई नई चीज़ें लाने का प्रयास करेंगे। और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।